मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ओमकालेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर पूजा आरती की और भगवान आशुतोष से प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने मां नर्मदा का भी अभिषेक किया। कृषि मंत्री कमल पटेल रामनवमी के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत रुद्राभिषेक और पूजन आरती कर भगवान आशुतोष का आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश की सुख समृद्धि खुशहाली के साथ किसानों के कल्याण की कामना की। इसके साथ ही मंत्री पटेल ने विधिवत मां नर्मदा का अभिषेक भी किया और मां नर्मदा से सबकी उन्नति और कल्याण की प्रार्थना की। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।